बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्लास फोर्थ सब्जेक्ट मैथ, लेक्चर नंबर 20, एक्सरसाइज 3.3, मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स इन डेली लाइफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज़, सारा बॉट 4 बुक्स टू रीड। सारा ने पढ़ने के लिए 4 किताबें ली हैं। इफ़ ईच बुक हैज़ 32 पेजेस, अगर हर बुक के 32 सफ़ात हैं, हाउ मैनी पेजेस विल सारा रीड इन टोटल। तो सारा टोटल कितने पेज रीड करेगी। सोल्यूशन देखें बेटा, सोल्यूशन में हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं और ये 4 बॉक्सेस जो हैं ये 4 बुक्स को शो कर रहे हैं। इनमें जो डॉट्स हैं बेटा वो पेजेस को शो कर रहे हैं। अब फर्स्ट बुक के हमारे पास 32 पेजेस हैं, सेकंड बुक के 32 पेजेस हैं, थर्ड बुक के 32 पेजेस हैं और फोर्थ बुक के भी 32 पेजेस हैं। इट्स मीन कि हमारे पास 4 बुक्स हैं और हर बुक में 32 पेजेस हैं। तो हमें ये फाइंड करना है कि सारा टोटल कितने पेज रीड करेगी। तो बेटा हम 4 को 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आप देखें कि 32 हमारा 2 डिजिट नंबर है, तो 32 जो है वो हमारा फर्स्ट नंबर होगा और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। अब 32 में 2 जो है वो वंस प्लेस पे है और 3 टेंस प्लेस पे है। तो हम इस 32 को बेटा 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हम 4 को पहले उस फर्स्ट नंबर उस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे जो वंस प्लेस पे होगा, यानी कि 2 से। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2s are 8। अब हमने 4 को टेंस प्लेस वाले डिजिट यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप देखें कि 4 3s are 12, यानी कि 32 multiplied by 4 is equal to 128। तो आंसर है हमारा 128 पेजेस, यानी कि सारा जो है वो 4 बुक्स के टोटल 128 पेज जो है वो रीड करेगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, देयर आर 9 मैंगोज इन अ बॉक्स, कि एक बॉक्स में 9 मैंगोज हैं, हाउ मैनी मैंगोज आर देयर इन 32 बॉक्सेस। तो 32 बॉक्सेस में टोटल कितने मैंगोज होंगे। तो बेटा एक बॉक्स में 9 है तो हमें 32 बॉक्सेस में फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, 32 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन देखें बेटा, 32 multiplied by 9, अब 2 वंस प्लेस पे है और 3 टेंस प्लेस पे है। तो 9 को पहले हमने वंस प्लेस वाले डिजिट के साथ यानी कि 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 9 2s are 18, 8 इधर 1 कैरी। अब हमने 9 को टेंस प्लेस वाले डिजिट यानी कि 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 9 3s are 27, 27 plus 1 28। तो 32 multiplied by 9 is equal to 288। तो अब 288 मैंगोज जो है वो क्या है, आंसर है। यानी कि अगर एक बॉक्स में 9 मैंगोज हैं तो 32 बॉक्सेस में 288 मैंगोज होंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर 1272 चिल्ड्रन इन अ स्कूल, कि एक स्कूल में 1272 चिल्ड्रन हैं। इफ़ एवरी चाइल्ड हैज़ 7 बुक्स, अगर हर बच्चे के पास 7 बुक्स हैं, हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन टोटल। तो टोटल स्कूल में कितनी बुक्स हैं बेटा। टोटल बच्चों की जो तादाद है स्कूल में वो है 1272 और हर बच्चे के पास 7 बुक्स हैं, तो टोटल कितनी बुक्स होंगी। सोल्यूशन देखें, अब हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं 1272, हर बच्चे के पास चूंकि 7 बुक्स हैं तो हम 1272 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आप देखें बेटा, 1272 जो है ये 4 डिजिट नंबर है, इसमें 2 वंस प्लेस पे है, 7 टेंस प्लेस पे, 2 हंड्रेड्स प्लेस पे और 1000 प्लेस पे। अब हमने इस नंबर को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा स्टेप बाय स्टेप, यानी कि पहले हम 7 को वंस प्लेस वाले डिजिट यानी कि 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखें 7 2s are 14, 4 इधर 1 कैरी। अब उसके बाद हम 7 को टेंस प्लेस वाले डिजिट यानी कि 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7s are 49, 49 plus 1 50, 0 इधर 5 कैरी। अब हम 7 को 100 प्लेस वाले डिजिट यानी कि 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2s are 14, 14 में 5 को ऐड करेंगे बेटा तो 14 plus 5 19 हो जाएगा, 9 इधर 1 कैरी। अब हम 7 को 1000 प्लेस वाले डिजिट यानी कि 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1s are 7 और plus 1 8।
तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1272 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 8904। तो टोटल बुक्स हमारे पास जो हैं वो क्या होंगी, 8904 बुक्स। तो ये था बेटा आपका एक्सरसाइज 3.3 की कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स थी, जिसमें फर्स्ट सेकंड और फोर्थ पार्ट मैंने आपको करा दिए हैं। अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5, ये जो दो क्वेश्चन हैं बेटा ये आपने होमवर्क में करने हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।